कैलेंडर में माध्य और योग भाग एक। मीन एंड सम इन अ कैलेंडर पार्ट वन। इस वीडियो में हम कैलेंडर में माध्य यानि मीन और योग यानि सम के बारे में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम जंगल में चलते हैं और हमारे नए दोस्तों से मिलते हैं। ये है एपी और ये है फ्रूटी। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। एपी कहता है, अरे फ्रूटी, हर बार तुम कहते हो कि आम सभी फलों का राजा है, तो चलो आज देखते हैं कि तुम कितने होशियार हो। मैं तुम्हें कुछ पहेलियों को हल करने की चुनौती देता हूँ, तो क्या तुम पहेलियों का उत्तर देने के लिए तैयार हो? फिर फ्रूटी कुछ देर सोचता है और आत्मविश्वास से कहता है, हाँ मैं पहेलियों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एपी कहता है, ठीक है तो मेरी पहली पहेली है, वर्ष 2020 के नवंबर महीने में एक पंक्ति यानी रो की पहली तारीख 7 है और पंक्ति की आखिरी तारीख 13 है। क्या तुम बता सकते हो उस पंक्ति का माध्य यानी मीन क्या होगा? फ्रूटी कहता है, 10। फिर एपी पूछता है, कैसे? तो फ्रूटी कहता है, जैसा कि तुमने कहा कि पंक्ति की पहली तारीख 7 है और पंक्ति की आखिरी तारीख 13 है, इसलिए ये पंक्ति है 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। माध्य सभी संख्याओं का औसत यानी एवरेज होता है। यहाँ सभी संख्याओं का औसत अनुक्रम यानी सीक्वेंस की मध्य संख्या यानी मिडल नंबर है, जो 10 है। अतः 10 इस पंक्ति का माध्य है। ये सुनने के बाद एपी कहता है, अब मैं इसकी जांच करता हूँ। औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए हमें एक अनुक्रम की सभी संख्याओं को जोड़ना यानी ऐड करना होगा और इसे पदों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से विभाजित करना होगा। उत्तर हमें माध्य तक पहुंचने में सहायता करता है और हाँ, ये अनुक्रम की मध्य संख्या है। बहुत बढ़िया फ्रूटी, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। चलो अब दूसरी पहेली का उत्तर दो। मैं वर्ष 2020 के दिसंबर महीने की संख्या 15 हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कितने योगात्मक अनुक्रमों यानी एडिटिव सीक्वेंसेस का माध्य हूँ? अब फ्रूटी सोचने लगता है। बच्चों, क्या आप पहेली को सुलझाने में उसकी मदद कर सकते हैं? क्योंकि फ्रूटी होशियार है, वो कहता है, 3। एपी पूछता है, लेकिन कैसे? तो फ्रूटी कहता है, एक कैलेंडर में 4 प्रकार के अनुक्रम यानी सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे पंक्तिवार अनुक्रम यानी रो वाइज सीक्वेंस, स्तंभवार अनुक्रम यानी कॉलम वाइज सीक्वेंस, बाएं ऊपर से दाएं नीचे तक
विकर्णवार अनुक्रम यानी फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम डायगोनल वाइज सीक्वेंस और दाएं ऊपर से बाएं नीचे तक विकर्णवार अनुक्रम यानी फ्रॉम राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम डायगोनल वाइज सीक्वेंस। पंक्तिवार अनुक्रम में संख्याओं में एक की वृद्धि होती है। स्तंभवार अनुक्रम में संख्याओं में सात की वृद्धि होती है। बाएं ऊपर से दाएं नीचे तक विकर्णवार अनुक्रम में संख्याओं में आठ की वृद्धि होती है। दाएं ऊपर से बाएं नीचे तक विकर्णवार अनुक्रम में संख्याओं में छह की वृद्धि होती है। इन सभी अनुक्रमों की संख्याओं में समान संख्या से वृद्धि होती है, इसलिए इन अनुक्रमों को समांतर श्रेणियां यानी अर्थमैटिक प्रोग्रेशंस या योगात्मक अनुक्रम यानी एडिटिव सीक्वेंस कहा जाता है। अब हम देख सकते हैं कि संख्या 15 पंक्तिवार अनुक्रम, स्तंभवार अनुक्रम और दाएं ऊपर से बाएं नीचे तक विकर्णवार अनुक्रम की मध्य संख्या है, इसलिए 15 तीन योगात्मक अनुक्रमों का माध्य है। ये सुनकर अब एपी कहता है, शानदार फ्रूटी, तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। इतना सुनकर फिर फ्रूटी पूछता है, तो अब तुम्हारी अगली पहेली क्या है? जवाब में एपी कहता है, अब मेरे घर जाने का समय हो गया है, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसलिए मैं तुमसे अपनी अगली पहेली कल पूछूंगा। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं।